वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि इंशाल्लाह जब भारत से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो पाकिस्तान भारत तक भी रसाई हासिल हो जाएगी। ताजकंद ने उस वक्त सदर के साथ सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान का कहना था कि उस पाकिस्तान को पाकिस्तानी बंदरगाहों के रास्ते मशरक वस्ता और अफ्रीका तक रसाई मुमकिन है। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर खजाना शौकत तरीन बिजनेस कम्युनिटी से हैं और वो ताजरों के मसाइल समझते हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि वजीर खजाना जानते हैं कि कारोबार बढ़ेगा तो मईशत ऊपर जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए 40 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक 10 लाख टन निजी शोबा में CTD, पास्को और दीगर सरकारी इदारे 30 लाख टन गंदम दरामद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर बराए कौमी सलामती मोई यूसफ ने कहा कि अमरीका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगने के लिए माहौल बनाया हुआ था। एक इंटरव्यू में मोई यूसफ का कहना था कि इन मामलों में इशारे किनारे भी बहुत अहम होते हैं, लेकिन हमने क्लियर कर दिया। पाकिस्तान बनने के बाद से पेट्रोल आज तक इतना महंगा नहीं हुआ जितना आज हो गया। कीमत में इजाफे के बाद पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, 118.09 रुपए पर पहुंच चुका। इलेक्शन कमीशन ने कैंट बोर्ड में होने वाले बलदियाती इंतखाबात के लिए जाब्ता अखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी जाब्ता अखलाक में कहा गया कि सियासी जमातें और उम्मीदवार नजरिया पाकिस्तान और मुल्की खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी राय का इजहार नहीं करेंगे। उम्मीदवार कोई भी ऐसा बयान नहीं दे जो अदलिया की आजादी और खुद मुख्तारी को मुतासर करे।